Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Dear viewers, it's me Adeel Anjum from ELI Institute, Hafzabad Road, Gujranwala. Assalamu alaikum. Today we are going to start the next one poem written by Wyatt, and the name of the poem is The Lady to Answer Directly with Ya or Nay. The Lady to Answer Directly with Ya or Nay. This is one of the बेस्ट पोइम्स ऑफ वाइट. छोटी सी पोइम है मगर इसमें थीम बहुत अच्छा है. बड़ी मज़े की पोइम है, देखिएगा ज़रा. अच्छा, ये अपनी बिलवर्ड को क्या कहने लगा है आपको पता ना. ये नॉर्मली जो फीमेल का और मेल के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ये उस हवाले से जब भी कभी सीरियस बात होने लगती है तो वो नेक्स्ट आंसर आना शुरू हो जाता है जी. ठीक है, करते हैं, देखते हैं. तो ये जो है ना लवर, जो वाइट है, वो डिस्टर्ब हो गया और वो कह रहा है अब डायरेक्टली आंसर करना है किस में, या और नहीं, येस और नो में आंसर. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आंसर. मेरा ख्याल है जितने भी क्वेश्चन आपसे किए जाए, येस और नो में आंसर करना सबसे मुश्किल काम है. देखें क्यों. देखिए, कहता हूँ मैडम विदाउट ऑन मैनी वर्ड्स. मैडम विदाउट ऑन मैनी वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐड नहीं करनी. लाइक उससे पूछता है कि इट्स ओके, अब शादी के बारे में क्या जनाब सूरत हाल है. तो वो कहते हैं आपको पता है ना वो हमारी कास्ट का डिफर है, आपको पता है ना वो मेरे भाई बड़े मतलब इस तरह के हैं, वो अंकल ये कहते हैं. वो कहता है मैडम आप मुझे ये नहीं सुनना है, पिछले 6-8-10 सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ ना, आप मुझे ये नहीं सुनना है. कहता मैडम विदाउट ऑन मैनी वर्ड्स, वंस आई एम श्योर यू विल लर्न, मुझे यकीन हो जाए कि तुम यस हो या नहीं हो. इफ़ यू आर माइंड तो इट्स ओके, लेट मी नो. अगर तुम मेरे नहीं हो तो मुझे डायरेक्टली आंसर करो यस और नो के अंदर. देखें, कहता है वंस आई एम श्योर यू विल और नो, एंड इफ यू विल देन लीव योर डाउट्स. अगर तुम मेरे हो या तुम कहते हो कि ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं. कहता है ये अब मैंने नहीं सुनना. वो देखे ना बात की है, वो करते हैं आज भाई आते हैं ना तो बात करते हैं. वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना. बात समझ रहे हैं, वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है. If you will then leave your bounds, अगर तुम हो तो फिर क्या करो, अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, जैसे तैसे भी सिचुएशन है उसे कवर करो और मुझे फेयरली आंसर करो. देखें, कहते हैं एंड यूज योर विट, अपनी अकल का इस्तेमाल करो, एंड शो इट सो, और इसको शो करो. क्या शो करो, दैट यू आर माइंड. एंड इफ यू आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट एग्री, तो फिर उसका मुझे फेयरली आंसर करो. देखें, वो कहता है एंड यूज योर विट एंड शो इट सो, फॉर विद अ बैक यू शैल मी कॉल. बैक से मुराद सिग्नल, मतलब मुझे इशारा दो, हाथ से इशारा दो, वैसे बताओ कि ठीक है जी, इट्स ओके, अब हम फाइनल स्टेज पे आते हैं और ये बात है, इस तरह से हम इसको फाइनल करते हैं. कहता है बैक करें, बैक यू शैल मी कॉल, एंड इफ ऑफ वन दैट बर्न्स ऑलवेज, और जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए तड़पता रहता है, दीवाना हूं मैं तुम्हारा तो तड़पता रहता हूं, तो आप क्या करो, You have pity or ruth at it all. या उस पर तरस खाओ, उसे फेयर आंसर करो, या उसके साथ रूठ जाओ. मतलब उसे डायरेक्टली बोलो कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होना, मैं तो अभी बस जस्ट आपके साथ ये मजाक कर रही थी, इस तरह से. तो या उसे फेयरली आंसर करो, और या क्या करो, उसे ये बताओ कि नहीं जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप टाइम वेस्ट ना करो. क्योंकि आगे देखें वो क्या कहने लगा, कहता है क्योंकि You have pity or ruth at it all. Answer him fair with yeah or nay. कहता है उसे answer करो yes or no के साथ. ये क्या तमाशा बनाया हुआ, आज बात करते हैं, देखिए ना हमारी कास्ट का डिफर है, आपको तो पता ही है ना. वो कहता है मुझे अब कुछ नहीं पता. बात समझ रहे है? वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, हाँ या ना, बस दो आंसर, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करें. देखें, कहते हैं आंसर हिम फेयर विद या नहीं, इफ इट बी ये, अगर ये यस है आई शैल बी फेन, मुझे बहुत खुशी होगी. ठीक है, वो कहता है देयर आर टू ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट एंड इफ यू डोंट एग्री तो इट्स ओके. कहता है अगर आप एग्री नहीं करते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप यस कहते हैं आई शैल बी फेन, मुझे बहुत खुशी होगी, एंड इफ इट बी नहीं, और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर तुम कहते हो कि नहीं इट इज नॉट पॉसिबल, तो देखिए वो कहता है फ्रेंड्स एज बिफोर, हम क्या होंगे, हम दोस्त रहेंगे जैसे पहले थे, हम दोस्त रहेंगे जैसे पहले थे. वो कहता है मगर क्या होगा उसके साथ, यू शैल अनदर मैन ऑब्टेन, तुम क्या करोगी, किसी और के साथ फ्रेंडशिप करोगे, तुम्हारा मेरे से कोई तलग नहीं रहेगा.
तो दिस इज वन ऑफ द अगेन प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर अ फीमेल कि वो कहते जी अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ. वो कहता है यू शैल अनदर मैन ऑब्टेन एंड आई माइन ओन, मैं कोई और मतलब ढूंढ लूंगा, एंड योर्स नो मोर, और मजीद तुम्हारा नहीं रहूंगा. तो देखे अगेन दिस इज द एंड ऑफ द पॉइंट. ये छोटी सी पॉइम है और सम टाइम ऐसा होता है कि पेपर में ये आ जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में. और अगर आपको मैं बताऊं तो सिलेबस जो रिटर्न लिखा हुआ है ना पीयू का, उसके अंदर इसका नाम नहीं लिखा हुआ बेटा, मगर ये पेपर में आ जाती है, इसलिए आप इसे कर लें. छोटी सी पोएम. थैंक यू वेरी मच.